बिहार से काम करने गए कर्नाटक के विजयपुरा के औद्योगिक क्षेत्र में बिहार के 7 मजदूरों की एक हादसे में मौत हो गई थी और सभी मजदूरों के शव को अब वापस बिहार लाया जा रहा है। हमारे साथ एयरपोर्ट से संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं, सभी मजदूरों का शव वहां पर पहुंचेगा। विवेक, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, कब मजदूरों का वहां पर जो शव है वो पहुंचेगा, क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं इसके लिए? हाँ जी बिल्कुल नवीन, जो है बिहार से जो प्रवासी मजदूर से जो लोग कमाने गए थे कर्नाटका, वो एक निजी जो फैक्ट्री थे उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उस दरमियान जो टन है वो गिरने से उनके 7 लोग दब गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आज उनके जो शव है सबको बिहार लाया जा रहा है। अभी हम पटना एयरपोर्ट पे हैं, एयरपोर्ट का हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। इसी जो गेट है, इसी गेट से जो सारे लोग शव है उनको लाया जाएगा। और जो एम्बुलेंस है, जो बिहार के जो तमाम जिले को जो लोग हैं, बेगूसराय हो और खगड़िया हो, उन जगह के जो लोग हैं उनके लिए एम्बुलेंस के जो है सुविधा दी गई है कि एम्बुलेंस से लोग उनके गांव तक सबको पहुंचाया जाएगा। उसके साथ साथ जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार उन जो परिजनों को भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दी है। इसके बाद जो कही जाती है घटना सोमवार की घटना है, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राहत कोष से 2-2 लाख रुपया का मुआवजा का ऐलान किया। उसके बाद जो आज है सबको बिहार लाया जा रहा है। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है, वो भी कुछ देर में पटना एयरपोर्ट में पहुंचेंगे। उसके बाद जो है वो सब उनके परिजन भी, कुछ परिजन को भी आने की संभावना है कि परिजन भी आएंगे। और उसके बाद जो है उन सब के लिए, वो सब जो है वो सबको उनके जिले के लिए भेजा जाएगा एम्बुलेंस से। जी बिल्कुल विवेक, सभी मजदूरों को वहां पर एम्बुलेंस से भेजा जाएगा, कई जिलों के मजदूर हैं। विवेक हमें ये बताएं कि जितने भी शव आ रहे हैं, 7 मजदूरों की मौत हुई है जानकारी के अनुसार, किन किन जिलों के मजदूर रहने वाले हैं और ये हादसा आखिर हुआ कैसे? जी बिल्कुल, सभी जो है खगड़िया जिला हो और बेगूसराय हो, उन सभी सभी उत्तरी बिहार के क्षेत्र के लोग हैं। इन लोग वहां पे काम कर रहे थे, उसी दरमियान जो 100 टन का जो मलबे है उससे उसमें उसके गिरने से लोग 7 लोग की मौत हो गई। और उसके बाद जो एक जो थे, तो एक जो मजदूर थे उनको किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन जो 7 मजदूर है, 7 मजदूर मरने वाले बिहार के ही थे। और ऐसे में लेकर जो वहां के जो SSP है जो ऋषिकेश, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जांच के लिए जांच बैठा दी गई है, किस तरीके से जो घटना हुई है और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और किन की लापरवाही से घटना हुई है, इसके लेकर जो है जांच बैठा दिया गया। लेकिन जो कही जाए तो बिहार सरकार अपने राहत कोष से 2-2 लाख रुपया का मुआवजा दी है उनके परिजनों को। और उसके बाद जो है आज उनकी सब जो है उसको आज उनके जिलों के लिए भेज दिया जाएगा, जो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एम्बुलेंस भी लगा दिया गया, एम्बुलेंस में सभी एम्बुलेंस से सभी को अपने अपने जिले के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो वहां के जो निजी लोग हों, विधायक लोगों, वो जाके शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे, उसके साथ साथ श्रद्धांजलि भी देंगे। आज पटना एयरपोर्ट पर जो श्रम संसाधन मंत्री हैं वो सुरेंद्र राम, वो मिलकर परिजनों को भी संवेदना व्यक्त करेंगे। जी नवीन बिल्कुल विवेक, ये जो हादसा हुआ है निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा है, और चूंकि बिहार के मजदूर थे वहां पर काम करने गए थे, एक तो वो काम करने गए थे और ऊपर से अब उनका जो शव है वो वापस लौट रहा है, निश्चित रूप से ये एक बड़ा परेशान करने वाला खबर है विवेक। उनके परिजनों के अगर आप दृष्टिकोण से ये सोचें तो बहुत परेशान करने वाली खबर है, और निश्चित रूप से ये जो इतनी बड़ी घटना घटी है, 7 बिहार के मजदूरों की मौत हुई है, निश्चित रूप से एक जांच का ये विषय है और जांच कर उन दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ये पूरी घटना घटी है। जी बिल्कुल, सभी लोग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जाते हैं, और ऐसे में लेकर जो उनको उस प्रदेश से आएंगे वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, परिवार को भी चिंतित रहती है। लेकिन जो ये लोग 7 लोगों के जो मौत हुई है, सभी लोग जो कही जाए तो उत्तरी बिहार के और ज्यादातर जो खगड़िया जिला और बेगूसराय जिला के हैं, और ऐसे में उनकी भी लालसा रहती है, नए साल की शुरुआत भी हो रही है कि नए साल में वो लोग अपने घर की ओर लगे हैं। लेकिन उनकी ऐसी हो गई कि अब जो उनके जो बच्चे लोग भी इंतजार करते हैं कि मेरे पिता लोग बाहर कमाते हैं तो घर आएंगे तो हमारे लिए बहुत सारे चीजें लेकर आएंगे, लेकिन उनकी जो है अब जो डेथ हो गया तो किस तरीके से जो कही जाए तो बिहार सरकार भी मुआवजे की भी ऐलान किया है, लेकिन जो कही जाए तो सब बहुत जांच के विषय भी है कि जांच के बैठाई जाए। उसके साथ साथ जो है वहां के SSP जो ऋषिकेश है उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच हम लोग जो कंपनी है जो फैक्ट्री है उस पर FIR की गई है,
लेकिन जो बिहार सरकार की अगर देखी जाए तो बिहार सरकार जिस तरीके से रोजगार के भी दावे करती है और जो लोग यहाँ के बिहार के मजदूर हैं दूसरे जगह पलायन करते हैं, लेकिन उनके बाद जो मुआवजे देने से कुछ होने वाला नहीं है। 2 लाख रुपए का मुआवजा दी गई है, लेकिन उनकी जो है उसमें कई जो मजदूर हैं जो यंग मजदूर भी है, यंग मजदूर की भी मौत हुई है। जी नवीन, बिल्कुल विवेक, एक बार हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो मुख्यमंत्री की ओर से राहत राशि का ऐलान किया गया है वो कितनी है और मतलब कितना इससे सहूलियत और कितनी सुविधा मिलेगी परिजनों को जिन्होंने अपने अपनों को खोया है इस पूरे हादसे में। जी बिल्कुल, जो कही जाए तो बिहार सरकार और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपया का मुआवजा का ऐलान किया गया है, लेकिन 2 लाख में तो होने वाले कुछ नहीं है। जब साफ तौर पर देखते हैं कि बिहार में अगर आपदा से किसी का मौत होती है तो 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। ये लोग बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में काम करते थे और उसके बाद उनको वहां की सरकार मुआवजे न देकर बिहार सरकार भी मुआवजे देती है, वो भी 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया में क्या होने वाला है, ऐसे में देखना होगा कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन छोटे छोटे बच्चे को लिए भी क्या किस तरीके से सरकार आगे कदम उठाती है, क्योंकि जो कही जाए तो कई जो मजदूर हैं वो यंग मजदूर हैं, लगभग जो 33-34 साल की है, और ऐसे में जो लोग उनके बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और सरकार के तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो 2 लाख रुपए में क्या होने वाला है या अब आगे किस तरीके से इसको लेकर भी जो कही जाए रणनीति बनाई जाती है वह देखना होगा। जी नवीन, बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार के श्रमिकों की जो मौत हुई है उनका जो शव है वो अब वापस राजधानी पटना लौट रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राहत कोष की सौजन्य से मुख्यमंत्री राहत कोष से सभी मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान किया गया है।